आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने पीले गंदे दांतों को एक मिनट के अंदर सफ़ेद और चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है अपने गंदे दांतों को साफ़ करना। गंदे दांत होना, पीलापन दांतों में आ जाना, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि जो लोग तंबाकू गुटखा ज़्यादा खाते हैं उनके दांत पीले हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों में भी पाया गया है कि उनके दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जितने भी बुरी आदतें हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम शराब पीते हैं अगर, या फिर कोई और हम नशे करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे दांतों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, पीला पड़ जाता है और साथ साथ हमारे दांत सड़ने लगते हैं। दोस्तों, दांतों के ख़राब होने की वजह से हमारे पेट पर भी इसका सीधा असर होता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपने दांतों को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रखें गाइस। और आज की वीडियो में बहुत इजी छोटा सा सिंपल सा ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, जिसको फॉलो करना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, आप आजकल सुन रहे होंगे कि ईनो के साथ लोग अपने फेस को गोरा करने का दावा करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस तरह की कोई भी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ईनो के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर हम उसे अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, बर्न हो सकती है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है ये ट्रेंडिंग वीडियो को देखते हुए कि मैम बताओ कि ईनो को अगर हम फेस पर अप्लाई करें तो क्या गोरे हो सकते हैं। तो आज मेरा उनको जवाब यही है फ्रेंड्स कि आप फेस पर बिल्कुल भी इसे अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है ना गाइस, उसमें जो मैंने वीडियो देखा है कि वो इनो में नींबू ऐड करके अपने फेस पर बता रहे हैं कि इसको लगाने से फेस गोरा हो जाता है, रंग गोरा हो जाता है। तो ये दोनों ही कंपाउंड जब मिलते हैं, नींबू का जूस अगर इनो के अंदर मिक्स होता है और वो हमारी स्किन पर यूज़ होता है गाइस, तो हमारी स्किन जल सकती है और डैमेज हो सकती है, फ्रैकर्स हो सकते हैं हमारी स्किन पर, तो गाइस रिंकल्स आ सकते हैं उसकी वजह से। तो आप अपनी स्किन पर तो इसको बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए। इनो का इस्तेमाल हम एसिडिटी को दूर करने में करते हैं, पेट संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी दूर होती हैं इनो के कंज्यूम करने से। तो इनो को हम आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि स्किन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गाइस की स्किन के लिए तो ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, भूल कर भी इसे अपनी स्किन पर अप्लाई मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके दांत पीले पड़ गए हैं तो आप हफ्ते में एक बार इनो का इस्तेमाल करके अपने दांतों को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। इससे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आप वीक में केवल एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे। आपने करना क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनो लेना है और उसमें आपने जो सेकंड इंग्रेडिएंट है उसे ऐड करना है। वो सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है फ्रेंड्स, नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल के तेल के अंदर बहुत ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे जो टीथ हैं उनको क्लीन करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इनो लेना है और उसके बीच में हमने दो चार बूंदें जो हैं वो नारियल की तेल की डालनी है। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके आपने ब्रश की हेल्प से अपने टीथ पर अच्छे से ब्रश करना है, मसाज करनी है, और एक हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करने से आपके पीले जो गंदे दांत हैं वो एक मिनट के अंदर जो हैं आपके बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे, दांतों की सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इनो का इस्तेमाल स्किन के लिए हानिकारक है लेकिन हमारे टीथ के लिए ये फ़ायदेमंद है। हम अपने दांतों के पीलेपन को इसको दूर कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक के बटन पर फटाफट से हिट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए गाइस, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी वीडियो पसंद आने पर सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।